हेलो एंड वेलकम बैक इन तैयारी नगर। सो क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिस तरह की हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे और अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फटाफट जो सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चंस होते हैं उनको, जो एग्जाम में ना बिल्कुल फंस जाए, आ जाए, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। ओके ना, चलिए देखते हैं कि आज मैं आप लोग क्या बता रहा हूँ। आज बताने वाला हूँ यंत्र, उपकरण एवं उपयोग। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यंत्र उपकरण कौन सा है और उसका यूज क्या है, मतलब उसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। ये आपका पार्ट वन रहेगा। ओके, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट वन, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आपका पार्ट टू रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले मैं आपको पार्ट टू बताऊंगा, ये पार्ट वन बता देता हूँ, फिर पार्ट टू उसको देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, देखिए सबसे पहले क्या पूछा गया है, एरोमीटर है ना। एरोमीटर जो है, एरोमीटर का क्या उपयोग है, तो वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र। एरोमीटर क्या है, एरोमीटर जो है ना वो वायु और गैस का जो भार होता है, जो वजन होता है, उस वजन को वो मापने वाला एक यंत्र होता है। व्हाट इज एरोमीटर, एरोमीटर कौन करता है, क्या करता है वो, तो वो नापता है, क्या नापता है, वायु को और गैस का जो वजन होता है, ठीक है ना। तो हवा और गैस के वजन को जो नापता है, कौन नापता है, वो एरोमीटर। चलिए क्लियर हो गया। दूसरा अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या करता है, विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। अल्टीमीटर क्या करता है, अल्टीमीटर जो विमानों की ऊंचाई को नापता है, मतलब जो विमान है कितना ऊंचा गया हुआ है, ठीक है ना, तो उसके हाइट को नापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु यंत्र, मतलब ऑडियोमीटर क्या करता है, ये ध्वनि की स्पीड को नापता है, वो ध्वनि कितना फास्ट जा रही है, कितना स्पीड में वो ट्रैवल करती है ना, तो वो उसकी स्पीड को ये मेजर करता है, ठीक है। ध्वनि की स्पीड होती है वो ये इसको मेजर करता है, क्या इसका स्पीड है, ऑडियोमीटर। ऑडियोफोन सुनने में सहायता के लिए, मान लीजिए किसी को सुनाई नहीं देता है, कम सुनाई देता है, ठीक है ना, तो हम लोग ऑडियोफोन यूज करते हैं और हम सुन लेते हैं, ये सुनने में हेल्प करता है ऑडियोफोन। एरोमीटर वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु यंत्र। सुनने की सहायता के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑडियोफोन। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडल के दाब मापने के लिए, वायुमंडल दाब मतलब कि एयर का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का यूज उष्मा की मात्रा मापने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय गति को नापने के लिए है ना, मतलब इंसान का जो हार्ट बीट है वो कितना होता है, कितना फास्ट जा रहा है, उसको मापने के लिए हम लोग कार्डियोग्राम जो मशीन होता है उसको यूज करते हैं। आप देख रहे हैं फिजिक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर क्या है, पानी के जहाजों में समय का पता लगाने के लिए, तो पानी के जहाज में टाइम क्या हो रहा है उसको पता लगाने के लिए हम लोग क्रोनोमीटर यूज करते हैं। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ का यूज होता है पौधों में वृद्धि का पता लगाने के लिए, कितना बढ़ा है, कितना वृद्धि हो रही है, कितना तेजी से बढ़ रहा है, उसको नापने के लिए हम लोग क्रेस्कोग्राफ पौधा का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर का यूज विभवांतर मापने का यंत्र होता है, हम लोग इसे विभवांतर मापते हैं। फैरोमीटर, तो फैरोमीटर क्या होता है, फैरोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए की जाती है, समुद्र के अंदर कितनी गहराई है, ठीक है, तो उसको मापने के लिए हम यूज करते हैं कि ये कितना गहराई में है। ओके ना। नेक्स्ट है ग्रेवोमीटर, ग्रेवोमीटर क्या होता है, पानी के अंदर तेल की वस्तु पता लगाने के लिए, पानी के अंदर कितना तेल है कितना नहीं है, हम उसको पता लगाने के लिए ग्रेवोमीटर यूज करते हैं। ओके, ग्रेवोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र। देखिए लैक्टोमीटर के बारे में सबको जानता है, इसका यूज कब करते हैं कि दूध में कितना परसेंटेज शुद्धता है, कितना प्योर है ये, है ना, कितना प्योर है, तो शुद्धता को मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। तो क्लास ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट जो आएगा हम उसमें देख लेंगे, बाकी के जो यंत्र होते हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, बस उसी यंत्र के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो अच्छा अगर लग रहा है तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, एंड देन कमेंट भी आप जरूर करेंगे किस तरह से आपको क्लास लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, या इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए तो मैं उसके लिए जरूर बदलाव करूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।